Dear students, in this lecture we will discuss about the metal pi complexes and in this we will discuss about the properties of metal carbonyls. Now, there are certain uh, the certain physical properties of metal carbonyls where you will find that except nickel carbonyl, iron carbonyl, ruthenium and osmium carbonyls, ऑल दी मेटल कार्बोनेट्स दे आर क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स तो इन कार्बोनेट्स को छोड़कर बाकी सारे जो कार्बोनेल्स होते हैं क्रिस्टेलाइन सॉलिड होते हैं और ये जो कार्बोनेट्स मैंने दिए हैं ये क्या होते हैं लिक्विड होते हैं अगर हम इन कार्बोनेट्स को देखें तो ये बहुत कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं ये स्पेशलिटी है इनकी तो इनकी ये लो सॉल्युबल कंपाउंड है लेकिन डिकम्पोज हो जाते हैं तो इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो जब इनके साथ कोई काम करेगा तो उनकी उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो इफ़ेक्ट करती है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं और जनरली सोलबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ये नॉन पोलर सोलवेंट में सोलिबल होते हैं इस कंपाउंड को छोड़कर और अगर हम सारे कार्बोनिल्स को देखें तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में एक्सेप्ट दिस मेटल कार्बोनिल जो कि वेनेडियम का कार्बोनिल है और इसलिए आप इसको देखेंगे कि वेनेडियम कोशिश करता है कि या तो ये डाइमर बना लेता है या ये वी सीओ सिक्स माइनस फॉर्म कर है क्यों क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये यह क्या करता है ये अपने को डायमराइज करता है जिससे कि एटीन इलेक्ट्रॉन एनालॉग ये अपना बना सके तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस लेक्चर में हम डिफरेंट काइंड की प्रॉपर्टीज जैसे हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और ये हम कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं और जो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे द मेटल कार्बोनल्स द मेटल्स इन द काबोनल्स दे आर प्रेजेंट इन द जीरो वैलेंसी स्टेट तो मेटल्स की जो वैलेंसी स्टेट है वो जीरो होती है मेटल कार्बोनल्स में िकल टेट्रा का टेट्रा काबोनिल निकिल को छोड़कर बाकी सारे कार्बोनिल्स दे आर कलर्ड Okay. और ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि कार्बोनल जनरली शो करते हैं टॉक्सिसिटी क्योंकि ये जो है वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं और दे कैन डैमेज लंग्स लीवर ब्रेन एंड किडनीज एंड दीज आर कार्सिनोजेनिक वेन एक्सपोज फॉर लॉन्गर टाइम तो जब भी मेटल कार्बोनिल के साथ काम करना हो तो उसके साथ केयरफुली काम करना हो

टू इलेक्ट्रॉन डोनर देन एक कार्बोनिल जो है वो इससे रिप्लेस हो सकता है बिकॉज कार्बोनिल इज ऑल्सो टू इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज तो आप देख सकते हैं कि एक कार्बोनिल रिप्लेस हो गया अगर मैं सी सिक्स एच सिक्स लूँ तो सी सिक्स एच सिक्स जो है वो थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसलिए ये थ्री कार्बोनिल्स को रिप्लेस uh, कर सकता है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं थ्री कार्बोनिल रिप्लेस होंगी या ये एक एल को है जो कि टू इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये एक कार्बोनिल को रिप्लेस करेगा का ऐसे पी आर थ्री है तो ये एक पी आर थ्री से

क्स आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम कहेंगे कार्बोनाइलेट आयन और कार्बोनाइलेट आयन का फॉर्मेशन जो है वो देखिए टू मेथड से किया जा सकता है एक मेथड है कि मेटल कार्बोनिल को एन के साथ ट्रीट किया जाए या फिर किसी नाइट्रोजिनस बेस के साथ ट्रीट किया जाए और उसको ट्रीट करके क्या बन सकता है कार्बोनाइलेट आयन फॉर्म किए जा सकते हैं और जो सेकेंड मेथड है वो है कि जो मेटल कार्बोनिल है उसको सोडियम अमलगम एल्कली मेटल के जो अमलगम है उनको किसी एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब कार्बोनिल के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो कार्बोनाइलेट आयन बनेगा ये देखिए कार्बोनाइलेट आयन का फॉर्मेशन हो गया तो इस तरीके से दो मेथड है जिसकी हेल्प से कार्बोनाइलेट आयन का फॉर्मेशन किया जा सकता है देन नेक्स्ट रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल तो कार्बोनिल हेलाइट भी बन सकते हैं एंड दिस इज अ काइंड ऑफ सब्सटीटूशन रिएक्शन जहां पर आप देखेंगे कि जो ये जो ये हेलाइड है ये डायरेक्ट रिएक्शन कर सकता है विद द मेटल कार्बोनिल और हेलाइट क्योंकि टू इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है इसलिए ये एक सीओ को रिप्लेस कर सकता है तो जब हम एफ uh, टू एक सीओ uh, को रिप्लेस कर सकता है तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये भी एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है और एक मेटल कार्बोनिल व्हेन इट रिएक्ट्स रिएक्ट विदेलाइट देन इट कैन फॉर्म मेटल कार्बोनिल है नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइलेट कैटाइन तो जैसे आपने कार्बोनाइलेट पढ़ा ऐसे ही कार्बोनाइलेट कैटाइन है देखिए जो MnCO6 है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें हम किस तरीके से बना सकते हैं कि एक हमने मेटल कार्बोनिल लिया उसकी रिएक्शन कार्बोनिल एंड ए एल सी एल थ्री के साथ करेंगे तो ये क्या बना देगा कार्बोनाइलेट कैटाइन का फॉर्मेशन करेगा द नेक्स्ट रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल हाइड्राइड तो कार्बोन कार्बोनिल भी बनाए जा सकते हैं और कार्बोनिल हाइड्राइट्स को बनाने के लिए जो कलरलेस एल्कली सॉल्यूशंस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स ऑन एसिडिफिकेशन इल्स दी कार्बोनिल हेलाइट तो ये जो हमारे पास जो मेटल कार्बोनिल्स हैं इनकी एल्कली सॉल्यूशन लेंगे और उसका एसिडिफिकेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड तो मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड का प्रिपरेशन किया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस

यहाँ पर दो नाइट्रोसिल आ गए और तीन कार्बोनिल जो है वो रिमूव हो गए हैं क्यों क्योंकि दो नाइट्रोसिल सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर है और सिक्स सिक्स जो थ्री कार्बोनिल दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर ओके सो नाउ वी कैन समराइज द लेक्चर कि यहां पर हमने पढ़ा डिफरेंट फिजिको फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनिल्स और आपने देखा कि मेटल कार्बोनिल्स uh, ये जनरली कलर्ड कंपाउंड्स हैं और ये जो है वो ये सॉलिड्स होते हैं जनरली इन जनरल अगर हम देखेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है जनरली डायमैग्नेटिक होते हैं बिहेवियर में क्योंकि उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे और जीरो वैलेंसी स्टेट होती है इनकी और ये जो है वो क्योंकि लो मेल्टिंग है सो दे आर वेरी टॉक्सिक इन नेचर और अगर हम उनकी जनरल रिएक्शंस देखें सो दे शो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस दे कैन फॉर्म कार्बोनाइलेट एनायन दे कैन फॉर्म कार्बोनाइलेट एनायन बाय टू मेथड्स दे